कितना कितना खर्चा हुआ, कैसे मनाया, मैं आपको पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। और इसमें कैसे मैंने वो अरेंज किया, मैंने मेरे हिसाब से इसको मैं अरेंज किया हूँ, ठीक है। मैं कहाँ पे क्या रखना चाहता हूँ, कैसे मैं रखना चाहता हूँ, अब बताइएगा। मेरा जो सोचना है, मैंने जो जैसे इसको चेक किया है, मतलब किया है, वो आप बताइए जो मेरा ये थिंकिंग है कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मैं देखता हूँ इसको, मैं बनाने के लिए मैं आपको ये जो प्लाई है, ये 7x4 वाला, 4 फीट वाला जो प्लाई है, 1/2 इंची थिकनेस है, इसको मैंने काम पे लगाया, ठीक है। तो इसको मैंने मेजरमेंट का इसी हिसाब से किया है कि इसका जो लेंथ है ये 5 फीट है, और इसका जो हाइट है इसका है 3 फीट है, और इसका जो थिकनेस है ये 4 इंची वाला है, और अंदर में नीचे वाला जो सामान रखने के लिए जो जगह है ये अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया मेरे काम के हिसाब से, ये 8 इंच बना दिए, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने कितना खर्चा किया और क्या क्या सेक्शन बनाया मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसमें जो जो ये वाला है 2 फुट बाई 2 फुट है, 1.5 फुट है, मतलब 1.5 फुट बाई 1.5 फुट पकड़ लीजिए, स्क्वायर हो गया। तो ये वाला मेरा विंग स्पैनर के लिए है बनाया है, और दूसरा है नीचे में, ये जरूरत ज़्यादा लगता है तो मैंने इसका डब्बा तरफ रखा है, जल्दी काम पे लग गया इसलिए यहाँ पे लगाया। दूसरी है ये वाला विंग स्पैनर, इसमें लगाया और भी लगेगा, और इसके साथ आपका जो टी हैंडल वगैरह है बगल में जगह है, इसमें इसको सेट किया है, और नीचे जो जरूरी सामान रहेगा वो इंस्टेंटली काम के लिए मैं लगाया है। और दूसरी इसके बाद जो मेरा ऊपर में जो रहता है उसमें स्पेशल टूल्स रहेगा, अभी तो लगाया नहीं, स्पेशल सॉकेट रहेगा, उनको लगाया नहीं, हम बाद में लगाएंगे। और मिडिल में रखा है मैंने सॉकेट सेक्शन, तो यहाँ पे मैंने सॉकेट सेक्शन, ये साफ सॉकेट दिख रहा है अपना, इसको मैं सॉकेट यहाँ पे और भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा हुक बना के इसको लगाऊंगा सॉकेट। और इसके बाद जो नीचे वाला आएगा यहाँ पे मेरा भी सॉकेट सेक्शन रहेगा, और अलग अलग तरह के जो सॉकेट रहेगा टूल्स रहेगा वो लगाऊंगा, अभी खाली है। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो स्पेशल ओपनर है, कूलर है, स्टॉपर जो भी खुलता है उसका मैंने जगह बनाया है, इसमें यह जाएगा, ठीक है। और लास्ट में रहेगा प्लायर्स का सेक्शन, यहाँ पे ऑल टाइप का प्लायर्स रहेगा, हाँ। और इसमें आपका प्लायर्स जो काम पे लगेगा वो ये बनाया, और इसके नीचे में मैंने एक बॉक्स बनाया जो सामान जरूरी सामान रखने के लिए, ये मेरा हो गया आपका लगभग 2000 के करीबन हो गया है, अभी भी पेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। ये 7x जो 4 वाला जो प्लाईवुड है इसका दाम लिया 1500 रुपया, और फिटिंग पे फिटिंग्स वगैरह लगे दिए और 500 रुपया पकड़ लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा 2000 के करीबन हो गया, अभी पेंटिंग बाकी है। मैं पेंटिंग करने के लिए यहाँ पे अभी कुछ नहीं किया नहीं है, इसको बाद में पेंट करेंगे जब मोबाइल वगैरह पेंट हो जाएगा। तो मेरा ये जो आपका टूल्स का जो अरेंजमेंट है कैसा लगा मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, आपका मनपसंद वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और ऐसे आपको और बताइए, और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।